चलिए अच्छा ठीक है। आइए देखते हैं पराशरण दाव, तो आप एडजस्ट करो कैसे के बच्चा, तो दोनों दने गड़बड़ा जाएगा है, हम भी बीच में कर देंगे दोनों दने। क्या करें, टाइम में क्या दिक्कत हो जाता है। इससे देखिए बच्चा, पांच को क्वेश्चन बनता है, कौन कौन सा देखना। एक तो पहले पूछता है कि पराशरण क्या होता है, पराशरण ऑस्मोसिस क्या होता है। दूसरा परिभाषा में दो नंबरी का बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसा से आता है, पराशरण किसे कहते हैं। दूसरा पूछेगा पराशरण दाब किसे कहते हैं। तीसरा पूछेगा प्रतिलोम पराशरण क्या है। चौथा क्वेश्चन पूछेगा पराशरण एवं विसरण में क्या अंतर है। एकरा में पांचवा क्वेश्चन पूछेगा अर्ध पारगम्य झिल्ली SPM क्या है। तो ये पांच क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे एक रूम और तीन क्वेश्चन और है, हाँ तीन क्वेश्चन और एक राम में बनता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पांच या तीन आठ कौन कौन। पहला है सम पराशरी विलयन किसे कहते हैं, सम पराशरी। अति पराशरी विलयन किसे कहते है ना। तो आइसोटोनिक पूछता कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको निकालने, परिभाषा आइसोटोनिक का भी पूछता है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक का भी पूछता है। तो एकरा में लगभग आठ क्वेश्चन एकरा से बनता है बच्चा, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से, आप सब इम्पोर्टेंट है, पता नहीं कौन सा पूछ दे कोई नहीं जानता। तो मैंने तो चूंकि गेस कर दिया है, ज्यादातर मैंने इसमें तो गेस किया है आपको, वो पराशरण हिमांक में अवनवन वाला आएगा ज्यादातर। लेकिन अगर मान लो बाय चांस एक आपको मिस हो ही जाएगा, हम ब्रह्मा जी थोड़े हैं कि जो कहेंगे वो आइएगा, मान लो बाय चांस एक आपको मिस करता है तो आप ये सब बातें आपको ध्यान रखना, इसीलिए तो पढ़ाते हैं, नहीं ऐसा थोड़ा है कि जो कह देंगे। लेकिन हाँ संभावना है कि तुमको आराम से 70% 80% बना दोगे, उतना किसी दिन हो सकता है गुल्ले भी बन जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। पिछले साल देखो लगभग हमने 90 में 100 में 100 लगभग 100 में 100 मिला दिया, और हो सकता है पिछला बार के जैसे पिछला बार हो सकता है इस बार, कुछ गारंटी थोड़े है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं इसलिए कह देता हूँ ना ये सब आपके एकदम, अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हो तब ये सब पढ़े, अगर खाली पास होवे ले चाहता है तो फिर बात ही अलग है, तो खाली गैसों से पास हो जाएगा, पास कुछ जोरों से दुगना नंबर आ जाए। लेकिन अगर और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तब तो आपको पढ़े पड़ेगा, नहीं तो फिर तो गैस क्वेश्चन काफ़ी है मेरे लिए, काफ़ी है पास होने के लिए गैस क्वेश्चन काफ़ी है। तो आ जाओ देखते हैं बच्चा, पहले पढ़ते पराशरण, ओकर बाद हम आपको पराशरण दाब के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पराशरण, लेकिन मैं ऐसे कर देता हूँ चूंकि क्रैश कोर्स है बच्चा, तो पराशरण विसरण दोनों को एक साथ ही पढ़ा देते हैं, परिभाषा भी एक के साथ है, सब चीज एक के साथ है हो जाएगा, तो अंतर भी निकल जाएगा और परिभाषा भी दोनों का हो जाएगा। तो तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन अर्ध पारगमी झिल्ली का भी परिभाषा एक में बता दें, तो चार क्वेश्चन एक में बनेगा। तो कैसे कैसे, तो आप क्या करो कि एक तरफ पहले लिखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का हिंदी होता है बच्चा विसरण, डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण। डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण। और इधर लिख ला बच्चा ऑस्मोसिस पराशरण। दो चार वो घटना के बारे में जिक्र करते हैं, आप दो घटना देखे हो देखो, अच्छा बताओ सब लोग इधर देख, दो घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप लोग वो घटना के बारे में जानते हैं, आपने टायर ट्यूब से हवा निकलते देखा है। yes. कितना नया देखा थे वो भी नया चीज है कुछ लोगों के।
मतलब टायर ट्यूब से हवा निकलते देखा है? यस सर। वो नहीं देखा है? नहीं। मान लीजिए यहाँ अगरबत्ती को जलते देखा है? यस सर। नहीं देखा है अगरबत्ती? यस सर। यहाँ से अगरबत्ती जलता है तो उसका धुआं सब जगह फैल जाता है, ये देखा है सब? धुआं को फैलते देखा है अगरबत्ती? यस सर। देखे नहीं, नहीं कैसे दिखेगा अगरबत्ती वाला? नहीं दिखेगा दूर जाते हुए अगरबत्ती वाला? नहीं दिखेगा। दूसरा घट। अच्छा, चना देखा है? यस सर। पानी में रात में फुलाया है? यस सर। उसको बड़ा होते देखा है? नो सर। सच्चे में? नहीं देखे। अरे सुबह में जब खाते हो चना बड़ा नहीं हो जाता? बड़ा हो जाता। जब रात भर चना को फुला दोगे पानी में तो चना क्या हो जाता है? बड़ा। देखा है ये वाला? यस सर। सच्चे में? बढ़ते नहीं देखे। आलमंड को देखा है? आलमंड को रात में पानी में डाल के सुबह में खा के देखा है? नहीं देखा। अरे बादाम? बादाम मूंगफली? नहीं, मूंगफली बादाम अलग है। ये है मूंगफली, इसको मूंगफली को पीनट बोलते हैं। वो है आलमंड, बादाम वो भी बादाम नहीं, बादाम और बड़ा बड़ा होता है। आलमंड बोलते हैं। देखे हो दिमाग बढ़ता है उसको रात। अरे छोड़ने यार, किशमिश देखा है? रात में रखा है? रात में रखो पानी, सुबह देखा है वो अंगूर बन जाएगा। आप रात को किशमिश को पानी में रखो, सुबह में वो अंगूर बन जाएगा। हाँ अंगूर बन जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाता है। जो चिपका हुआ रहता है ना किशमिश जी, सुबह में डालोगे सुबह करोगे तो पूरा एकदम अंगूर जैसा बड़ा हो जाएगा। अचार बनाया है नींबू वाला? नींबू क्या होता है? नींबू में अचार में क्या क्या डालते हो? नमक डालते हो? नमक डालते हो तो एक महीना के बाद क्या देखते हो? पानी आ जाता है। कहाँ से आता है? नींबुआ से आता है। नमक में पानी कहाँ से आएगा? नींबू के अंदर वाला पानी बाहर निकल जाता है, कैसे आ जाता है? यही जो दुर्घटना है, नहीं फालतू वाला बात नहीं, यही पर जो दुर्घटना है, टायर ट्यूब से हवा निकलना कहलाता है विसरण। और अच्छा बताओ, चना कैसे बड़ा हो जाता है? क्या होता होगा? पनिया अंदर चल जाता है। बिल्कुल सही बात। कैसे जाता है? छिलकावा से आर पार हो जाता है। अरे बोलो। अच्छा ठीक है, अगर छिलकावा उतार के डालना तो पनिया अन्य होवे तो अन्य फूलेगा? अच्छा तू देखी है, तू चना के छिलका उतार के ओकर बाद पानी में डाल। कौन? नहीं तो फूलता है, उतना फूलता है, उतना फूलता है, नहीं नहीं फूलेगा। ऊपर ऊपर थोड़े सा फूलता है, थोड़े सा ऊपरे ऊपरे वो फूलना नहीं कर। तो वो जब छिलका उतार दोगे ना तो वो नहीं फूलेगा, समझो बात, अंदर तक नहीं जाएगा। इसका मतलब है, सुन इधर, इसका मतलब है कि हाँ, तो चना का जो फूलना हुआ वो पराशरण है। पराशरण तो होता क्या है इसमें? देखो बच्चा, विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए हम ये टायर बना देते हैं, मान ले इधर वाला हिस्सा टायर है, इधर वाला हवा भरल है ढेर सारा। बढ़िया से सुनना, इधर वाला टायर में बहुत सारा हवा भरा हुआ और इधर वातावरण है, मतलब बाहर का हिस्सा है जो हमारा ये एरिया है, ये जो ये जो हमारा अंतरिक्ष है वो है। यहाँ पर टायर रखा है, टायर वाला हिस्सा है। बाहर में भी तो कुछ कुछ हवा है। अरे बाहर है, बाहर का हिस्सा है, ये वायुमंडल का हिस्सा है। तो जैसे ही आप थोड़ा छोटा भी छेद होता है टायर में तो अंदर वाला हवा बाहर निकलने लगता है, कि बाहर वाला अंदर जाने लगे।
क्या कभी बाहर से अंदर गया है टायर में? काहे ऐसे होता है? तो अंदर में जो हवा का घनत्व है वो ज्यादा है, हवा का घनत्व ज्यादा है और बाहर में हवा का घनत्व कम है। अगर मान लो टायर में छेद कर दो, ठीक है, लेकिन बाहर में ज्यादा घनत्व दे दो हवा का, वो नहीं निकलेगा, हवा नहीं निकलेगा, बाहर से अंदर जाएगा। इसका मतलब है कि हवा का निकलना निर्भर कर रहा है कि उसमें कितना हवा का घनत्व कितना है। तो अगर जिधर घनत्व ज्यादा रहेगा उधर से पार्टिकल मूव करेगा किधर की ओर? कम घनत्व की ओर। बोलो हाँ या नहीं? नहीं। अरे टायर के अंदर हवा का घनत्व ज्यादा है तो उधर से मूव करता है किधर? कम घनत्व की ओर। किधर की ओर मूव करेगा? कम घनत्व की ओर। खाली एक बस छोटा सा छेद कर दीजिए, सभी हवा बाहर निकल। या जानते हो यहाँ पर जैसे अगरबत्ती जलाते हो यहाँ पर तोरा से जो धुआं निकलता है तो धुआं का जो घनत्व है कहीं और धुआं नहीं है, तो सब जगह खाली एरिया, यहाँ पर धुआं का घनत्व ज्यादा क्योंकि बहुत धुआं निकल रहा, तो ये धुआं यहाँ से उधर की ओर जाता है सब जगह, क्योंकि सभी जगह घनत्व वो जो, या तो आप अगरबत्ती जलाइए चाहे तो कुछ जलाइए, अगरबत्ती जलाते तो देखते धुआं सब दिशा में जाता है कि कोई एक दिशा में जाता है? सब दिशा में, क्योंकि जैसे ही निकलता है धुआं तो आस पास यहाँ पर तो घनत्व ज्यादा हो जाता है और बगलबन में कम है, तो धुआं जिधर कम है उधर की ओर जाने लगता है। तो यह प्रक्रिया कहलाता है बच्चा विसरण। क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एकर मतलब इसको परिभाषित अगर कह दे न कहना चाहते हैं अगर इसको परिभाषित करना चाहते हैं कि इसको परिभाषा आप बताना कोई अगर चाहे तो आप कैसे बताओगे इसका परिभाषा? आप कोई पूछे तो कैसे बताओगे? हाँ तो क्या लिखो कि विसरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कण पार्टिकल अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर बिना एसपीएम के जाता है। अब कोई एसपीएम क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ हो जाए वो रह दो, कर बाद पहले ही परासरण समझो। फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चना वाला एग्जांपल। मान लो ये चना है, ये देखो बच्चा इधर चना है, ये क्या है? अरे ये चना है, मान लीजिए ये चना और इधर पानी है, ये पानी है, ये जल है, जल भी हो सकता है या कोई बिलियन भी हो सकता है, बढ़िया से समझना। जैसे मान लो मेरा पानी वाला बोतल कहाँ है, देखो तुम लोग लेके चल गया। मान लो एरा में जल है तो नहीं, मान लेते हैं इसमें क्या है, एरा में ना दो एगो, एगो नाव चना, एगो चना डाल दो, सुनो क्या होगा, सुनो जब एकरा में एगो, एरा में क्या है, जल है ना, मान लो और हम एगो चना डाल दिए, वो भी मान लो क्योंकि चना तो है नहीं अभी हमारे पास, तो मान लेते हैं डाला हो। तो चना के आस पास बाहर वाला हिस्सा में कौन सी है बच्चा? पानी है। चना के बाहर हिस्सा में कौन सी है? पानी। और चना के छिलका पर गौर करो, यहाँ पर छिलका काम करेगा कैसे? इसे मान लो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता आप कहो कि सर जो ऐसे हो जाते, मान लो नमक में, पानी में नमक डाल दो, पानी में नमक डाल दो, पानी में
ओकर बाद ओकरा में चना डाल, समझा मैंने क्या कहा? पानी है और हमें नमक डाल को घुला के फिर चना डाल, ओकर बाद सुबह में खा के देखना, नहीं छिलका उतार के नमकीन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, अंदर नहीं जाएगा, मतलब अंदर नहीं जाएगा नमक का कण, अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ पानी के कण जाएगा। तो नहीं पानी से फूलती कैसे पहचान? नहीं लगेगा, नमकीन नहीं लगेगा, छिलका उतार के खाओगे ना तो नमकीन नहीं लगेगा, जानते हो? क्योंकि ये जो छिलका है ना, ये छिलका बड़ी काम का चीज है, छिलका बड़ी काम का चीज है ये। हाँ, वो जो छिलका है सिर्फ और सिर्फ पानी के कण को अंदर जाए देता है, छिलका हुआ चना वाला नमक के कण को अंदर जाने नहीं देता, इतना करामात है उस छिलके में, हर एक छिलके वो अंदर नमक के कण को अंदर जाने ही नहीं देता। एकर मतलब है कि यह मान लो ये छिलका है, ये चना का क्या है बच्चा? छिलका, ये चना का छिलका है। इस छिलके को हम लोग बोलते हैं बच्चा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, शॉर्ट में बोलते हैं बच्चा SPM, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SPM, हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य तो अब बताओ जरी, मूवमेंट किधर से होगा? पानी के कण का मूवमेंट किधर से होगा? मतलब पानी से जाएगा अंदर चना में। तो अगर मैं पूछूं कि घन सांद्रता किधर ज्यादा है, पानी में कि चना के अंदर सांद्रता ज्यादा है? चना के अंदर नहीं, चना के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, चना के अंदर छोटे से उजला सा नहीं रहता, तो घनत्व तो उधर ज्यादा होगा कि पानी के अंदर घनत्व ज्यादा? पानी में तो कोई विलायक विलेय डालल है ही नहीं, किसी का सांद्रता कैसे निकालते हैं? पर हमें सोल्यूट डालल रहना चाहिए, तो पानी में तो कुछ है ही नहीं, तो सांद्रता बताओ चना का ज्यादा कि पानी का ज्यादा? तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसकी बात करूं, सुनते बढ़िया से सुना, बतियाना नहीं बच्चा, इधर हाई कंसंट्रेशन है और इधर क्या है बच्चा? लो कंसंट्रेशन। और ये छिलका है, मतलब चना का बल्क है, चना का बल्क है, और ये जल है, क्या है? जल। एकरा में ये वाला इधर वाला हो गया बच्चा हाई कंसंट्रेशन। आप खाली फिगर पढ़ लो, अंतर अपने आप याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए इतना मेहनत कर रहे, 3-4 क्वेश्चन बनेगा। परासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, परासरण विसरण में अंतर स्पष्ट करें, अर्ध पारगम्य छिल्ली किसे कहते हैं, 4 क्वेश्चन यहां तैयार हो रहा है, इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूं आपको कि आपको याद न करना पड़े। यहां हाई कंसंट्रेशन और इधर हो जाएगा लो कंसंट्रेशन। एकरा में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल्स है। अब कहो कौन सा पार्टिकल है सर जी? सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का? तो सब है, दोनों पास कर जाए। जैसे मान लो टायर के अंदर जो गैस है, उस गैस में तो मान लो सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा। अब कहो सर ये बात समझ में नहीं आ रहा, बिलियन पड़ रहा है जी, तो कोई भी बिलियन गैस एक बिलियन नहीं है, गैस एक बिलियन नहीं है, गैस में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब मिलल है कि नहीं? तो एक से ज्यादा अवयव मिलल है और समान रूप से मिलल है, तो क्या हवा ये वाला बिलियन के रूप नहीं होगा? ये हवा जो है वो बिलियन का प्रकार नहीं होगा, याद करो जरा, गैस में गैस तो मिलाते थे, गैस में गैस के बिलियन का एग्जाम्पल हमने हवा दिया था, तो हवा भी एक क्या है? बिलियन है। तो जब हवा भी एक बिलियन है, तो एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा, हवा में भी सॉल्यूट, तो इसके अंदर जो भरल था ओकरा में से दोनों निकल रहा,
सॉल्यूट भी निकल रहा है और सॉल्वेंट भी निकल रहा है। एकरा में ये सब कोई ये सब कुछ है नहीं बच्चा, एकरा में अर्ध पारगम्य झिल्ली नहीं है, मतलब एकरा में एसपीएम उसपीएम टेरवा में एसपीएम है, वो तो छेद के लिए तो छेद में से ना बाहर निकल जा रहा है कि बीच में कोई झिल्ली लगल है और बोला या नहीं। एसपीएम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब एसपीएम लगाए तो ये पानी के, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पानी किधर से किधर मूव करता है बच्चा, पानी से चना के अंदर जाता है, मान लो ये चना है, एकर मतलब देख रहे लो एकरा में अंतर परासरण में, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कौन मूव कर रहा है, पानी। अगर मैं इसमें नमक मिला दूं, क्या मिला दूं बच्चा, नमक मिला दूं, ये मान लो ये हरा वाला नमक है, तो क्या इधर नमक जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ जल जाए, सिर्फ और सिर्फ जल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जल जाएगा, नहीं जल जाएगा, जल जाएगा, कौन मूव करेगा बच्चा, मूवमेंट ऑफ H2O, मूवमेंट ऑफ जल का मूवमेंट, क्या नमक भी जाएगा, ये जिस देखो दो अंतर हो गए, नहीं तीन अंतर इतने में हो गए, इतने में तीन अंतर निकल गया। पहला तो एगो परिभाषा, पहले परिभाषा क्या लिखोगे, नींद आ रही जी, नींद आ रही है ऐसे ने, दोनों बहन के नींद आता, दोनों ने पढ़ती, दोनों बहन अपन है ना कि चचेरी है, अपनी बहन है, जुड़वा है, नहीं नहीं छोटा बड़ा के है, छोटा के बड़ा के, बड़ा ही है छोटा, वो नहीं बड़ी है छोटी, नहीं पढ़ा हो, आप इधर देखा, इधर देखिए। तो अगर आपसे ये विसरण की परिभाषा पूछे तो विसरण की परिभाषा क्या दो, कि विसरण एक वैसी प्रक्रिया, सुनो परिभाषा हम बोल वो तो नहीं लिखी है, विसरण एक वैसी प्रक्रिया है, देखो रे हम परिभाषा बोल रहे हैं तो पति आ रही, विसरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बिना अर्ध पारगम झिल्ली के गमन करता है, उसे विसरण कहते हैं। नहीं लिख लेगा आपने, आराम से लिख लेगा। इधर क्या लिखोगे बच्चा, परासरण में क्या लिखोगे, लिखोगे कि परासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें पिलाया खाली जल मूव करेगा और कोई नहीं, पिलाया किसके कण, तो लिखो परासरण एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण, अब ब्रैकेटवा में जल दे दो, ब्रैकेटवा में जल दे दो, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम झिल्ली से गमन करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा, परासरण कहते। आई लो समझ में कि नहीं, एकरा में बच्चा ध्यान से अगला देखो, अब अंतर पर एक परिभाषा, एक अंतर परिभाषा भी एक अंतर में आ गया, एक अंतर में परिभाषा भी आ गया, दूसरा में की लिखो, दूसरा में लिखो विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरूरत नहीं होता है, और एकरा में अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरूरत होता है, बोलो हाँ या नहीं, अरे हाँ या नहीं। तीसरा लिखो परासरण में, सॉरी विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण जाता है, लेकिन एकरा में सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण जाता है, तीन अंतर हो गए, और बोलने यार ओकरा में एसपीएम की जरूरत नहीं है, और एसपीएम माने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली, ओकरा में अर्ध पारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं है और एकरा में जरूरत है, बोलो कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो बनावा, तब हम परिभाषा लिखे हो तो सब बनाइए जल्दी, और साथ ही साथ परिभाषा भी लिख जल्दी लिख।
परिभाषा लिख लिखिए दैट प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस फ्रॉम दैट प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टेक प्लेस फ्रॉम high concentration to low concentration without SPM short में हम लिख देंगे बच्चा क्योंकि बड़ा उतना कौन बड़ा लंबा लिखेगा without SPM is called diffusion. इधर लिख दोगे परिभाषा तो क्या होगा that process in which movement of only solvent particle माने जल solvent particles from low concentration to high concentration through SPM is called osmosis. It is called osmosis. It does not require SPM. दूसरा इट डज नॉट हिंदी के लिए जगह आप लोग छोड़ देना SPM ये हो जाएगा दूसरा बच्चा इट रिक्वायर्स एसपीएम both solute and solvent particles move. ये हो जाएगा तीसरा में only solvent particles move. एक परिभाषा भी हो गया अंतर भी हो गया है ना SPM ना बच्चा SPM का कंसेप्ट बहुत सारा है. SPM क्या होता है अच्छा ये सेलेक्टिव क्यों कैसा काम करता है कि सिर्फ और सिर्फ विलायक वाला के जाने देता है विलेय वाला के नहीं जाने देता ऐसा क्यों होता है छापा जल्दी हिंदी लिखावे yes. लिखा पहला इधर बच्चा विसरण के तरफ लिखे वैसी प्रक्रिया जिसमें विसरण के तरफ लिखा वैसी प्रक्रिया जिसमें
कणों का गमन बिना अर्ध पारगम्य झिल्ली, शॉर्ट में एसपीएम लिख दो, बिना एसपीएम के अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है उसे किसे विसरण कहते हैं, उसे विसरण, इधर लिखिए हिंदर बचा, पराशरण में क्या लिखोगे, वैसी प्रक्रिया जिसमें एसपीएम मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली, वैसी प्रक्रिया जिसमें एसपीएम से केवल विलायक के कणों का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है उसे पराशरण कहते हैं। उधर लिख ले लो, अगला लिख, इसे एसपीएम की जरूरत नहीं होती है, इधर में डज नॉट लगा, इधर नॉट वाला इधर में हो रहा, इसे एसपीएम की जरूरत नहीं होती है, उधर लिखा इसे एसपीएम की जरूरत होती है, तीसरा लिखो, विलेय एवं विलायक दोनों के कण गमन करता है। उधर लिख लो, केवल विलायक के कण गमन करता है, चौथा अंतर लिख लो, चौथा अंतर क्या होगा बेटा, मिटा देना, एकरा क्या होता है ना बच्चा, एकरा इसके विलायक के बिल, सुनो इधर, विलायक के कणों के गमन की दिशा को पराशरण में बदला जा सकता है, लेकिन ओकरा में दिशा नहीं बदल सकता, कैसे, एकरा में प्रेशर अप्लाई करके ने जो विलायक
कम सांद्रता से इधर जा रहा था, ये तो नेचुरल है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इधर प्रेशर लगा करके इधर भी पानी हम भेजवा सकते हैं, लेकिन ओकरा में वैसा कोई प्रक्रिया, वैसा कोई संभावना है नहीं। तो लिख दो चौथा, लिखे इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट सुरुचि कुमारी, इन दिस प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इन दिस प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, बट इधर प्रेशर अप्लाई करके चेंज किया जा सकता है। तो लिख लो, इन दिस प्रोसेस डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑफ सॉल्वेंट कैन बी चेंज्ड या रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाई अप्लाइंग, हिंदी लिख लो, इस इधर वाला में विसरण वाला में, इस प्रक्रिया में गमन की दिशा नहीं बदली जा सकती है, गमन की दिशा नहीं बदली जा सकती है, गमन की दिशा नहीं बदली जा सकती है। इधर लिख लो, इस साइड लिखिए, लिखा इस प्रक्रिया में, इस पर इधर लिखना है पराशरण, इस प्रक्रिया में गमन की दिशा बदली जा सकती है, सॉरी इस प्रक्रिया में इतना लिख ले लो, इस प्रक्रिया में दाब लगाकर, इस प्रक्रिया में दाब लगाकर विलायक के गमन की दिशा, विलायक के गमन की दिशा बदली जा सकती है, बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। आप लिखा अंतर है, चलो दो चार को कल्ले लिखा दें, फिर कल्ले खत्म कर करके हम लोग केमिकल काइनेटिक्स शुरू करेंगे, जेकर जेकर छूटल ना को कल्ले से आ गए 9 से 10। तो रात में आज मैं 5 बजे रात रात तक तो आता है, तो बहुत सारा करने जाते हो। अच्छा बंद कर रहे इसको, जैसे मान लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने वही बताया था ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, 2 मिनट के लिए फिर समझ जा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि जब नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ जाएगा बच्चा, इधर जाएगा लो कंसंट्रेशन से। इसे मान लो सॉल्यूशन 2 है, ये सॉल्यूशन 1 है, इसकी सांद्रता अधिक है, इसकी सांद्रता कम है, तो जो ऑस्मोसिस होता है उसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, विलायक के कण में बोला सिर्फ विलायक, जैसे नमक पानी का विलयन है तो पानी मूवमेंट करेगा। तो मैंने कहा कि यदि ऑस्मोसिस हो रहा है तो कौन सा ऐसा काम करे कि यह ऑस्मोसिस रुक जाए, चालू है।
तो मैंने कहा कि ऊपर से एक पर प्रेशर लगा दो, जैसे ही प्रेशर लगाओगे तो जब प्रेशर इसके ऊपर अधिक सांद्रता वाला पर प्रेशर लगाओगे तो इधर से इधर विलायक के कण कणों का मूवमेंट रुक जाएगा, और वही प्रेशर जिस पर ऑस्मोसिस की प्रक्रिया मतलब विलायक के कणों का मूवमेंट रुक जाता है वो कहलाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। परिभाषा लिख लिया है दैट एक्सटर्नल प्रेशर, क्योंकि बाहर से डाल रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कहलाएगा, वैसा बाह्य दाब which just stop जो बस ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोक देता है उसे हम लोग परासरण दाब कहते हैं, या दूसरा परिभाषा में वैसा बाह्य दाब या वह बाह्य दाब जो जस्ट स्टॉप मतलब बस रोक देता है द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब वह बाह्य दाब जो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों के गमन को रोक देता है उस दाब को हम लोग बोलते हैं परासरण। अब आज व्यंजक में, तो व्यंजक में वांटहॉफ ने दिया था, वांटहॉफ ने कहा था कि जो प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर आईडी डिनोटेड बाई पाई तो मात्रक हो गया वो तो बात, यहाँ वांटहॉफ ने कहा था, वांटहॉफ ने कहा था कि परासरण दाब जो होगा वो निर्भर करेगा कितना दाब लगेगा इन दोनों की सांद्रता, मान लो एक सांद्रता C1 है एक सांद्रता C2, और ज्यादातर जो सांद्रता होता है वो मोलरिटी में लेते हैं बच्चा, मोलरिटी, मोलरिटी का मतलब होता है मोल पर लीटर में, दोनों का सांद्रता हम लोग लेंगे मोल पर लीटर में। तो मान लो इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, इसका C1 इसका C2, तो कहता है कितना परासरण दाब लगेगा ये बात निर्भर करेगा दोनों के सांद्रता के अंतर पर, मतलब पाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C1 माइनस C2, या इसी को अंतर को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं तो डेल्टा सी। दूसरा है ये, इसको बोलते हैं वांटहॉफ बॉयल्स लॉ, इसको बोलते हैं वांटहॉफ चार्ल्स लॉ। तो इसने कहा, वांटहॉफ ने कहा कि प्रेशर जो होगा अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा जाए तो जो प्रेशर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वो तापमान के समानुपाती होगा, मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा, दोनों को कंबाइन करने पर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा सी इंटू टी बनता है, समानुपात हटाओ कांस्टेंट लगेगा तो पाई बराबर डेल्टा सी इंटू आर। ये वाला ये जो सी है बच्चा ये है, अगर मान लो एक तरफ ये कोई बिलियन नहीं रह करके कोई खाली विलायक ऐसे पानी है, पानी रहेगा तो सांद्रता इधर वाला का शून्य होगा तो सांद्रता सिर्फ और सिर्फ उधर वाला का होगा, तो एक के का सांद्रता होगा तो उसी की सांद्रता को हमने सी कह दिया, C1 को ही हमने सी नाम दिया। ये क्या है बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि एक अगर एक वो विलायक है तो ये जो सी होगा वो सॉल्यूशन का सांद्रता होगा, बाकी ये सब जो है आप डिनोट कर लीजिए किसको क्या कहते हैं वो हमने ये देख लिया है। थोड़ा सा इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो चीजें आप इसमें पढ़ लेते हैं है ना, मिटा दें। चलिए तो ये सितारा लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछता है बच्चा परासरण दाब से, एकरा में देखो बच्चा एक दो चीज मान लीजिए, ये दो सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन सॉल्यूशन वन और सॉल्यूशन टू, आप चलिए वो वाला भुला गया, ये दूसरा फिगर है, वो वाला फिगर नहीं, ये दूसरा फिगर है, ये सब मूवमेंट वूवमेंट नहीं, मान लीजिए प्रॉपर दो गो सॉल्यूशन है, ये सब राष्ट्रीय उसमें कुछ नहीं, दो गो सॉल्यूशन है खाली, दो गो सॉल्यूशन है, और मान लीजिए कि इसका परासरण दर पाई वन है और इसका परासरण दाब पाई टू, ये दो बिलियन का परासरण दाब पाई वन है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा रहता कि बताओ व्हाट इज आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो
टोनिक शब्द हिंदी में बोलते हैं बच्चा संपराशरी बिंदु, संपराशरी संपराशरी बिंदु। आपको नाम से लग रहा होगा सम मने क्या होता है बच्चा, बराबर समान, पराशरी मने पराशर, वैसा दो बिंदु है, नाम से पकड़ लेना, रटने की जरूरत नहीं है। और कई बार आया है ये वाला बच्चा परिभाषा, तो कहता है कि वैसा दो बिलियन जिसका परासरण दाब समान हो, वैसा दो बिलियन जिसका परासरण दाब समान हो उसे क्या कहते हैं, आइसोसोनिक सॉल्यूशन। एक दो सॉल्यूशन और होता है बच्चा, एक को बोलते हैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, एंड एक और होता है बच्चा हाइपरटोनिक, हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक एंड हाइपर टोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं बच्चा एक ना बोलते हैं अल्प पराशरी और ये होता है अति पराशरी, तो हिंदी में क्या लिख दोगे, अल्प पराशरी बिलियन, अल्प पराशरी बिलियन एवं अति पराशरी, अति पराशरी बिलियन। तो परिभाषा एक में क्या होगा, अल्प मने कम अति मने ज्यादा, तो दो बिलियन जिसमें से जिसका परासरण दाब ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, जबकि परासरण दाब कम होगा वो हाइपोटोनिक, सिंपल सा। बराबर तो आइसोटोनिक, ज्यादा तो हाइपरटोनिक, कम तो हाइपोटोनिक। तो परासरण दाब से परिभाषित कर सकते हैं आसानी से, ये है ना, तो लिख लो बच्चा परिभाषा, लिख ली आपकी मर्जी, लेकिन टू सॉल्यूशंस हैविंग, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। That is, पाइवन बराबर पाई, एक लिखो कि टू सॉल्यूशंस टू सॉल्यूशंस टू सॉल्यूशंस इन विच दैट सॉल्यूशन विच हैज high osmotic pressure is called hypertonic solution and that solution which has less osmotic pressure is called hypotonic solution।
इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बोलिए समझ में आयो कि नहीं आयो? आयो। हाँ जी, हिंदी लिखवा। पहला बार लिखे दो बिलियन जिसका परासरण दाब, दो बिलियन जिसका परासरण दाब समान होता है, परासरण दाब समान होता है, दो बिलियन जिसका परासरण दाब समान होता है, जिसका परासरण दाब समान होता है, उसे सम परासरी बिलियन कहते हैं, उसे सम परासरी बिलियन कहते हैं, उसे सम परासरी बिलियन कहते हैं। दूसरा नीचे वाला लिखे दो बिलियन जिसमें वह बिलियन जिसका परासरण दाब उच्च होता है या ज्यादा होता है, जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है उसे अति परासरी बिलियन कहते हैं, उसे अति परासरी बिलियन कहते हैं, उसे अति परासरी बिलियन कहते हैं। एवं वह बिलियन जिसका परासरण दाब कम होता है, जिसका परासरण दाब कम होता है, जिसका परासरण दाब कम होता है, उसे अल्प परासरी बिलियन कहते हैं, उसे अल्प परासरी बिलियन। अरे समझ में कि नहीं? हो गलो? अरे कोई दिक्कत बा? नहीं नहीं, ये लगभग खत्म हो गलो बच्चा। कल जरी सब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 15 मिनट पढ़ा करके शुरू करेंगे चैप्टर का, ठीक है कि नहीं? चलो मिलते हैं। चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस चेक कर ला जरा। जैसे मान लीजिए जब इसके पहले हमने ऑस्मोसिस देखा था, तो ऑस्मोसिस में क्या होता था, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बिलियन है, बीच में SPM लगा हुआ है, बीच में SPM लगा हुआ है। मान लीजिए इधर सॉल्यूशन वन है, एक टैंक में सॉल्यूशन वन है और इसमें सॉल्यूशन टू है। सॉल्यूशन टू है, इधर भी कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिला हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला हुआ रहेगा तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। मान लीजिए उधर भी सॉल्यूशन टू है, एंड उधर भी मान लेते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा, एंड मान लेते हैं लेकिन चूंकि इधर का सांद्रता ज्यादा है और इसकी सांद्रता कम है, इसका C1 मान लेते हैं, उसका C2 मान लेते हैं, और बीच में SPM लगल है, तो नॉर्मल कंडीशन पर क्या होगा, जब तक कुछ नहीं होगा
तो विलायक के कण, विलायक मतलब पानी के कण, सॉल्यूशन दू मतलब इधर है हाई कंसंट्रेशन, इधर है बच्चा हाई कंसंट्रेशन मतलब इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी सांद्रता कम है, मान लीजिए इसकी लो कंसंट्रेशन। और ज्यादातर जो कंसंट्रेशन मापा जाता है मैंने आपको बताया है बच्चा वो मोलरिटी में मापा जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब है वो बात कर रहा है बच्चा मोलरिटी से, मोलरिटी से बात कर रहा है। तो अगर सॉल्यूशन वन की मोलरिटी ज्यादा है सॉल्यूशन टू से तो क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में ये सॉल्यूशन टू से पानी के कण किधर की ओर मूव करेगा बच्चा, सॉल्यूशन वन की ओर मूव करेगा। नॉर्मल कंडीशन में यही ना होगा। अब हमने कहा था जो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था तो हमने आपसे बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है कि यहाँ पर इतना प्रेशर लगा दो, इतना प्रेशर यहाँ पर लगा दो कि इधर से इधर आना क्या हो जाए बच्चा, रुक जाए, मतलब ये मूवमेंट क्या हो जाए, रुक जाए। इतना प्रेशर लगा दो और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते थे बच्चा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक परासरण दाब बोलते थे इसे। परासरण दाब बोलते थे इसको बच्चा। अब जरा परासरण दाब बोलते थे, अब क्या करते हैं सुनो बच्चा, क्या कहे मैंने क्या कहा कि यदि मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन होगा तो परासरण की क्रिया होगी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जाएगा। जैसे एक मान लो पानी और नमक का विलयन है, यह भी पानी और नमक का विलयन है तो इधर से इधर कौन जाएगा, पानी का कण जाएगा कि नमक का कण जाएगा, विलायक का कण जाएगा। और अगर हम एकरा ऊपर प्रेशर किधर लगाया जाएगा, अधिक सांद्रता पर कि कम सांद्रता पर, क्योंकि उधर जा रहा तो अधिक पर लगाएंगे तो अगर प्रेशर इन्हें लगा दे इतना लगा दे कि इधर से इधर जाना बस रुक जाए, उस प्रेशर को कहते हैं परासरण दाब। लेकिन अगर मैं परासरण दाब रुक तो गया, मैं आव लगा दिया और प्रेशर लगा दिया तब क्या होगा, यस, तो अब इधर वाला विलायक किधर होने लगेगा, इधर की ओर जाने लगेगा, इधर की ओर जाने लगेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इधर से इधर जा रहा था तो ऑस्मोसिस हो रहा था, अब उल्टा होने लगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसे शॉर्ट में कहते हैं बच्चा आरओ, क्या कहते हैं, तो आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगा कि जब हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर परासरण दाब से ज्यादा लगाएं कि परासरण दाब से कम लगाएं, ज्यादा लगाएंगे तब ना उल्टा होगा, कम लगाएंगे तो फिर इन्हें जैते रह जाएगा। मतलब परासरण दाब है इक्विलिब्रियम, जहां पर इधर से इधर जाना विलायक के कणों का रुक जाए, लेकिन अगर प्रेशर और ज्यादा डाल देंगे तो अब काम उल्टा होने लगेगा, अधिक सांद्रता से कहां जाने लगेगा बच्चा, कम सांद्रता में। तो आप बना ला फिगर और परिभाषा मेरे साथ साथ लिखिए, हाँ बना लीजिए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन
लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस या इसी को बच्चा ऐसे एक और सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर एक और परिभाषा लिख दीजिए कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर then process of osmosis reversed which is called reverse osmosis which is called reverse सेम बात है जो मैंने बताया है बच्चा वही बताया कि यदि पराशरण हिंदी में अगर समझ के आपको ये जो मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ ये जरूरी नहीं कि आप यही लिखो आप समझ करके लिखाना कि यदि बाह्य दाब पराशरण दाब से अधिक होता है तो विलायक के कणों का मूवमेंट अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने लगता है जिसे क्या कहते हैं बच्चा प्रतिलोम पराशरण कहते हैं या इसमें क्या कहोगे कि यदि बाह्य दाब पराशरण दाब से अधिक हो तो पराशरण की प्रक्रिया उल्टी हो जाती है रिवर्स देखो लिखा ले देन प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स्ड मतलब पराशरण की प्रक्रिया उलट जाती है जिसे क्या कहते हैं प्रतिलोम पराशरण कहते हैं हिंदी लिख लीजिए पहला वाला के यदि बाह्य दाब पराशरण दाब से अधिक होती है तो विलायक के कणों का गमन विलायक के कणों का गमन अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने लगता है जिसे प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। नीचे वाला का हिंदी लिख दे बेटा यदि बाह्य दाब पराशरण दाब से अधिक हो निचला का हिंदी और करके लिख ला दोनों सेम परिभाषा है आपको जो सस्ता लगे याद कर लेना याद भी नहीं करना है हाँ यदि बाह्य दाब पराशरण दाब से अधिक हो तो पराशरण की प्रक्रिया विपरीत हो जाती है जिसे प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। बोलो हाँ
एक लाइन को मिटा दिए, वो बोलो इतनी है रिवर्स ऑस्मोसिस और कुछ नहीं। अगला लिख ला है ना, आगे एक बिंदु और लिखता खत्म हो गया ये वाला। अगला बिंदु एक बार लिख दो, क्या लिखे अगला पॉइंट एक लिख लीजिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए ये जरूरी है कि परास जो बाह्य दाब है वो सूत्राकार परिक्रमण नहीं करता है। क्या लिखना है, यदि कह रहे हैं बच्चा की रिवर्स, यदि एक्सटर्नल प्रेशर एक दिन आता है एक दिन नहीं आता, अगर फेल फाल कर देगा तो हमारा बदनाम करेगा कि वो जी तो जा लिए फेल हो गए, समझता नहीं है कि केमिस्ट्री है अगला बार एक्सेशन एग्जाम होने वाला, हो सकता है टफ कर दे तो बस लोटे पोट हो जाएगा सर। कारण तो समझ नहीं रहा, मजाक में ले रहा, बेइज्जती हो तो फेल हो ही तब हमरो करवाएगा। हम तो सोच रहे थे कि भागा नहीं वैसा करके जो एक दिन आता है, क्योंकि बदनाम है हम काल से हैं, मेरे तो यहाँ से बचत खेल फाल होता नहीं है। एक दो को फिर पिछले साल वैसा कर नहीं, जो दो दिन आवा ले और दस दिन गायब रह ले वैसा कर, एक दो को फेल के लिए क्या तो रहा, मैं भागा दे फायदा था नहीं, वैसे ही करता था। एक दिन आता था बीस दिन गायब, एक दिन और बीस दिन गायब सोच लो रेशियो, तो 300 दिन में कई दिन हमें पढ़े ले। एक्सटर्नल अवकरों में कि जे गेस पेपर दिए वो नहीं पढ़ के गया था, तो जो उतनो पढ़ लेता था पास हो जाता कि जितना कहे उतना करके जाते हैं। हमारा ऐसे कोई एक अलावा कोई बच्चा फेल नहीं किया, और फेल करता है ठीक है छोड़। एक्सटर्नल प्रेशर अगर ग्रेटर देन होगा केकरा से, ऑस्मोटिक प्रेशर से, मजाक में ले रहा है, नहीं देखना कि तुम ट्वेल्थ में पढ़ रहा है, ये ट्वेल्थ है एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन है, इसे कर बता बता ही हो कदम हो गए कहानी तब ही हो। एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ये जरूरी है बच्चा एकरा में, ठीक है, बाह्य दाब परासरण दाब से ज्यादा होना चाहिए तभी रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सिंपल में लिख लो कि एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर तब क्या होगा बच्चा, आरओ होगा, आरओ लिख लो। मैं दे दो एगो क्वेश्चन लिख, एगो क्वेश्चन इस पर आता है बच्चा जी, क्वेश्चन इतना पर आता है लिख लो तो जरा। हाँ, एक क्वेश्चन इतना पर आता है, कैसा क्वेश्चन देखो कि टेक्निक देखो लो घर में देखो लो एक्वागार्ड, यस केकरा केकरा देखा एक्वागार्ड नहीं देखती है घर में है ना, प्रचार में देखते हैं केंट आरो, यस हेमा मालिनी प्रचार करती है, टीवी देखता है, यस तो आरो नहीं कहता केंट आरो, पियो शुद्ध और रहो खुद, कोई जो बोलता भूल आ गया तो पता नहीं कुछ इस तरह से बोलती है। तो वह जो आरओ का मतलब यही है बच्चा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो पानी साफ होता है ना एक्वागार्ड में इसी विधि से होती है। तो एक बार क्वेश्चन भी आता था, क्वेश्चन भी आया था तो मैं लिखवा देता हूँ, यानी कि मान लो अगर इस साल आ जाए तो लिखो क्वेश्चन, लिखवा दे ली नहीं फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक, रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्निक इज यूज्ड, एक्सप्लेन एक्सप्लेन, यही क्वेश्चन इसी ढंग से कहीं आएगा बच्चा, हिंदी लिख लो। पानी के शुद्धिकरण में, पानी के शुद्धिकरण में
पानी के शुद्धिकरण में प्रतिलोम परासरण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिलोम परासरण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। वर्णन करें। देखा जरा सर क्या है बच्चा प्रतिलोम परासरण से कैसे, इसमें क्या होता है बच्चा आप देखोगे ना तो एक्वा गार्ड में मेरे पास अभी है, मैं दिखा देता। एक्वा गार्ड में दो वो सिलेंडर होता है, दो वो होता है चैम्बर पानी का, पानी रखने वाला। देखो इधर तो वैसे रहता है, दो सिलेंडर होता है। अगर देखे होगे ना कभी, पता नहीं ऐसे बिहार में तो बहुत कम के घर में एक्वा गार्ड लगा जाता है, तो यहाँ का जो पानी है लगभग जो जमीन से आता है ना पानी वो शुद्ध ही आता है, इसीलिए किसी को यहाँ एक्वा गार्ड लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि तो नीचे से जो जमीन से आता है हम लोग वही डायरेक्ट पानी पीते हैं, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है। यहाँ का पानी बिहार का ये तो है कि आप कहीं आप कोई सिटी में चल जाओ जमीन से निकालते हो पानी वो डायरेक्ट नहीं पी सकते हो, किसी को नहीं पी सकते क्योंकि वो दूषित होता है। किसी में आयरन की मात्रा ज्यादा है, किसी में सोडियम की मात्रा ज्यादा है, किसी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा, तो आपको शरीर का हानि करे। पानी सबसे ज्यादा बीमारी पैदा करता है, गंदा पानी है ना। तो हमारे यहाँ तो इतना अच्छा है कि नीचे से जो निकलता है वही डायरेक्ट पी लेते हैं, और स्वाद से भी आपको पता चलता होगा अलग अलग जगह के पानी का स्वाद अलग अलग टेस्ट रहता है, तो आप इसे समझ जाते होंगे कि ये वाला पानी खराब है। जो खारा लग रहा है मतलब समझ लो कि वो पानी खराब है, आप डायरेक्ट उसको पी रहे हो तो वो बीमारी को घरे बुला रहे हो, ठीक है। हाँ बीमार पानी सबसे ज़्यादा बीमारी पैदा करता है, क्योंकि पानी हमारे शरीर के हर अंग अंग में न चला जाता है जी। बाकी सब तो खाना बाना तो पेटवे में रहता है, और पेटवो में की एसिड है, ये वाला एसिड है पेटवा में, ये वाला एसिड हमारे के पेटवा में रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो बढ़िया बढ़िया चीज को ये क्या करता है, ये तो लोहा कभी डालो गला देगा, तो हमारा पेट भी बढ़िया बढ़िया चीज के गला देता है। किस वजह से, इसी के वजह से गैस्ट्रिक जूस इसे बोलते हैं। इस एसिड के कारण कुछ भी डाल दो तो पच जाता है, क्योंकि ये एसिड है। तो पेट तो खैर ठीक है, जरा मनी उन्हें खाता उसको कर लेता, लेकिन पनिया क्या होता है, पनिया डायरेक्ट पूरे शरीर में फैल जाता है। तो बायोलॉजी वाला पढ़ेवे करते होंगे, ये सब बतेवे किए होंगे जो बायोलॉजी जानता है, हम क्या बताएं। तो इसमें दो सिलेंडर होता है बच्चों, दो सिलेंडर होता है। यहाँ पर यहाँ पर SPM लगा रहता है बच्चा, यहाँ पर मतलब अलग अलग मतलब बनावट अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनावट अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाकी जो प्रोसेस होगा वो यही वाला होगा। एक्वा गार्ड का दो गो सिलेंडर रहता है ना, और एकरा में क्या होता है यहाँ पर लगल रहता है बच्चा जी, यहाँ पर लगल रहता है SPM। कौन SPM का क्या नाम है, पूरा नाम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये भी परिभाषा पूछता है, व्हाट इज SPM, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, तो वैसा पद हम लिखवा देंगे यार, कल पढ़ा कुछ लिखवाइले ही SPM की परिभाषा। तो क्या होता है ना कि जैसे मान लो एकरा से कोई लड़की बोलो मत जी जा रहा है, नाम लेंगे नहीं कोमली एकरा से कौन पानी जा रहा है, गंदा पानी, कौन पानी डर्टी वाटर, एकरा में गया डर्टी वाटर। तो क्या होएगा, एकरा में इस सिलेंडर में डर्टी वाटर आया, गंदा पानी आया इस सिलेंडर। आप जो बोल रहे हैं हम लिखवाइबो नहीं, जे हम बना रहे हैं अपने मन से तुमको लिखते पड़ेगा, हम खाली फिगर बना के छोड़ देंगे। तो समझ लो जी कैसे कैसे बोल रहे हैं, याद रखना। मान लो एकरा में गंदा पानी आया, इस गंदा पानी में जैसे ही सिलेंडर में आता है एकरा में पिस्टन लगल रहता है, ऊपर से पिस्टन लगल रहता है,
जैसे ही आप करंट एकरा में स्विच दबाते हो तो एकरा में करंट जाता तो एकरा में वो मोटर लगल रहता, वो मोटर क्या होता है पिस्टन को दबाता तो प्रेशर बढ़ता है, या प्रेशर ये नहीं पिस्टन ही नहीं प्रेशर बनाने का अब नए नए एक्वागार्ड में नए नए टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें प्रेशर बढ़ाने का तरीका कुछ और हो सकता है। तो वो एकरा में जैसे ही प्रेशर लगाता है और इतना प्रेशर लगाता है कि वो प्रेशर ऑस्मोटिक, अच्छा नॉर्मल केस में क्या होगा बताओ, ये गंदा पानी और मान लो एकरा में क्या है बच्चा शुद्ध पानी, एकरा में शुद्ध पानी है तो बताओ तो ये गंदा पानी ये शुद्ध पानी तो क्या सांद्रता ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा क्योंकि एकरा में मिट्टी बिट्टी मिल रहा है तो एकरा में कंसंट्रेशन ज्यादा और एकर कंसंट्रेशन लो क्या जीरो है, मतलब सिर्फ पानी है तो कंसंट्रेशन इसका क्या होगा बच्चा जीरो, कंसंट्रेशन क्या होगा बोलाए हमें। तो नॉर्मल केस में अगर ये नहीं चालू करोगे तो पनिया को एने से एने जाना चाहिए, कहाँ से लो से हाई की ओर पनिया जाएगा, अरे हाँ या नहीं, लेकिन नहीं जाता है क्योंकि हम पनिया नहीं रहता या टोटी लगा के एगो छोटे को या डिब्बा रहता और हम भर लेता है, रहेगा तो जेबे करेगा, यहाँ पर छोटे को तीन चार क्योंकि देखो कभी कभी लाइट नहीं हो रहता तो थोड़ा से पानी गिरता क्योंकि वो स्टोर के लिए रहता है पहले से, तो दो तीन लीटर यहाँ पानी स्टोर के लिए रहेगा और फिर यहाँ पर ही टोटी लगा करके आप लोग यहाँ से पानी निकाल जैसे मैंने वैसे पी समझ में आया कि नहीं, जैसे मैंने वैसे इसको पी, ये पीने वाला पानी आ गया पीने वाला। तो क्या होता है ना कि जब बच्चा ये तो नॉर्मल केस, जब ऑस्मोसिस रिवर्स जब जैसे ही करंट हम इसमें डालते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो गंदा पानी में जो मिलल है सब चीज़ वो रिवर्स करके रिवर्स ऑस्मोसिस में, जब रिवर्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण पास करेगा, जो मिट्टी बिट्टी है ये एसपीएम से छना करके एकरे में रह जाएगा और इधर की ओर कौन जाएगा बच्चा सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी जाएगा, और इस सिलेंडर में आने के बाद इसे वो दूसरे टंकी में हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। हाँ यहाँ पर एगो रहता है बच्चा एकरा में जो रहता है ना यहाँ पर एगो अलग से पाइप लगल रहता है, यस एगो अलग से छोटे को गंदा सा पाइप पानी निकलने के लिए पाइप लगल रहता है और गंदा पानी एजी से निकलता है इसमें तो शुद्ध पानी जाता है, तो यही टेक्निक है आपको आरओ में यही इसी को कहते हैं बच्चा आरओ टेक्निक, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा तो इसी प्रोसेस को क्या करते हैं बच्चा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो बहुत केंट में क्या है, केंट जो कंपनी का एक्वागार्ड है केंट कंपनी का नाम है बच्चा, केंट कंपनी में पहले सिर्फ आरओ टेक्नोलॉजी पर ही साफ होता था पानी, लेकिन अब देखो अब निकल रहा था आरओ प्लस यूवी, है ना आरओ प्लस यूवी, आरओ भी रहता है और यूवी भी रहता है, वो क्या है सर आरओ तो समझ गए लोग कि रिवर्स ऑस्मोसिस से होता है प्रेशर लगेगा तो गंदा वाला पानी में से जो पानी शुद्ध होगा वो उन्हें चल जाए, लेकिन अल्ट्रा वायलेट इसलिए जरूरी है बच्चा क्योंकि जैसे मान लो अगर आप नाली के पानी साफ करना चाह रहे हो नाली के पानी पीना चाह रहे हो साफ करके तो क्या होगा आप एकरा में डालोगे नाली के पानी एकरा में प्रेशर लगाएगा तो हिलने जाएगा तो कहोगे सर जी बाकी तो कुल छनाइए जाएगा खाली पनिए में जाएगा पनिए जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया है कि पानी के साइज से भी वो छोटे हैं, जितना पानी के कण का साइज है ना जैसे अमीबा या कोई वायरस ले लो जैसे कोरोना वाला वायरस वो तो आओ छोटे था वो दिखता था क्या केकर नाक में कया दिया चल गया कुछ पते नहीं चला, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस है जो ये एसपीएम भी नहीं रोक पाता है तो वो क्या करेगा पनिया के साथ ये नहीं चल जाएगा तो आप पिए लगोगे वो वायरस तुम्हारे पेट में भी जाएगा, तो ओकरा लगी की करता है एकरा में अल्ट्रा वायलेट रे पास करता है, यूवी यूवी का फुल फॉर्म होता अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरण, तो जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रे एकरा में पास करता है तो अल्ट्रा वायलेट रे क्या है वो जो जितना भी जीवाणु विषाणु है ओकरा मार देता है। तो लास्ट पीते हो ललका तो एक रे में नहीं जाएगा।
नहीं मरल का एक तो रही जाएगा तो 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 लेकिन ज्यादा हानि नहीं करेगा मरल का पेटवे में जाएगा तो ठीक है लेकिन कम हानि करेगा। तो इसीलिए अब यूवी भी लगा देता कि और जो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो वो भी क्या हो जाए खत्म। यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। फिगर बनाओ हेडिंग दो बच्चा अब नॉर्मल पॉलीलेटिव नहीं लिखा है जल्दी करो। अच्छा ये नॉर्मल कॉलिगेटिव का परिभाषा लिख लीजिए और चेक करिए इसको निकाले हम लोग बेहतर से तो टेस्ट में तो है ना टेस्ट है ना तो टेस्ट में बना लो टेस्ट में है खाली दे दी तो है शाम में होगा हाँ तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी